हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। 28 साल बाद अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में किसी भी समय अदालत का फैसला आ सकता है। 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की, जज सुरेंद्र कुमार यादव भी कोर्ट रूम में मौजूद है। 6 आरोपियों को ज्यादा उम्र और बीमारी की वजह से व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। ये आरोपी हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास और कल्याण सिंह। इसके अलावा सतीश प्रधान भी हाजिर नहीं हुए हैं, उनकी भी तबीयत खराब है। तो इस समय क्योंकि सुनवाई चल रही है, ये कहिए कि नतीजे आने में, बस जिसे कहा जाए कि फैसला आने में कुछ ही देर बची हुई है। और हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में इस समय मौजूद हैं। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा मौजूद हैं, अंकित मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं, निपुण सहगल जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी पंकज झा का, क्योंकि वो कोर्ट पर मौजूद हैं। पंकज झा, कितनी देर में ये फैसला आ सकता है? देखिए, इसमें ये हो रहा है, जो फैसला तो 11 बजे ही आ जाने वाला था, लेकिन शोभना आपको बताऊं, वजह ये हो गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 6 लोगों को जोड़े जाने की बात है, उसमें कोर्ट के अंदर मॉनिटर लगा है, ये जानकारी आ रही है कि उनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद फैसले के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि जब फैसला सुनाया जाता है तो आरोपियों के सामने सुनाया जाता है, इस वजह से ये देरी हो रही है शोभना। ठीक है अंकित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जज पहुंच चुके हैं, तमाम 26 आरोपी वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ आरोपियों को ये फैसला सुनना है, इसीलिए डिले है। क्या जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर शोभना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वहां पर सभी आरोपियों की मौजूदगी जरूरी होती है, बाकायदा सभी की हाजिरी लगती है। तो अब तक जो कोर्ट में 26 लोग मौजूद हैं उनकी तो हाजिरी लग गई, लेकिन जो 6 लोग यहां पर नहीं आए हैं उनकी अभी तक हाजिरी भी नहीं लगी है। और सीआरपीसी में यह प्रावधान होता है कि जब भी कोई इस तरीके का फैसला हो तो वो फैसला आरोपियों के सामने हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि मान लीजिए अदालत किसी को दोषी करार देती है तो उसको तुरंत वहीं पर कस्टडी में लिया जाता है, अगर धाराएं गंभीर हैं तो। यहां पर अगर मान लीजिए कि ये जो 6 लोग हैं जो यहां पर अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश नहीं हुए, उनके सामने फैसला नहीं आता है तो उनको तो जानकारी नहीं होगी। तो ये कुछ निटी ग्रिटीज हैं या ये कहा जाए कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से फिलहाल फैसला आने में देरी हो रही है। ठीक है निपुण सहगल, आज का ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 में कोर्ट का इस्तेमाल किया हुआ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, असंवैधानिक तरीके से इस ढांचे को गिराया गया था, कहीं ना कहीं कोर्ट की जिम्मेदारी की एक नजीर पेश की जाए ताकि आने वाले भविष्य में कभी इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सिविल मामले का फैसला दिया था और हिंदू पक्ष को दे दी थी पूरी विवादित जमीन, तब ये बातें कही थी। अभी क्या हो रहा है शोभना कि बार बार ये इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि हो ये रहा है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा ने भी बताया कि अंदर स्क्रीन लगाई गई है और संभवतः सभी आरोपी जो मौजूद नहीं है उनको जोड़ा जाएगा, लेकिन चूंकि फैसले को लेकर उत्सुकता बहुत ज्यादा है और जज साहब बीच बीच में प्रक्रिया को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसे में कई बार इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है, जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। जो अंदर हमारे सूत्र मौजूद हैं वो बता रहे हैं फैसला बहुत अहम है और अब से थोड़ी देर में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो फैसला आने में बस कुछ ही समय की देरी है। हमारे 3-3 सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अब मैं अयोध्या का रुख करना चाहूंगी जहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद है। विजय, अयोध्या के लोगों के लिए ये फैसला क्या अहमियत रखता है, या अपना जो उनका दिन है वो अपनी गति से ही आगे बढ़ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, फर्क तो हर चीज का पड़ता है, लेकिन रोजमर्रा जैसी जिंदगी फिलहाल तो देखने को यहाँ मिल रही है। हाँ, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ये जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इनके यहाँ करीब 2 घंटे पहले तक हम वहाँ मौजूद थे और तब तक जो हमारी बात हुई थी उनके शिष्यों से और दूसरे लोगों से, तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है इस तरह की कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी। वो अपने कमरे में थे, वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उनका कहना है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही वो बाहर निकलेंगे और अभी डॉक्टरों ने उनको अलग से क्वारंटाइन होने की सलाह दे रखी है।
और जहां तक अयोध्या की बात है, मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जितनी उत्सुकता स्टूडियो में आप लोगों को है, जितनी उत्सुकता हमें फैसला जानने की और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की है, शायद अयोध्या की जनता को उतनी उत्सुकता नहीं है, क्योंकि इससे राम मंदिर के निर्माण के काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैं दिबांग का रुख करना चाहूंगी। दिबांग, जैसा कि मैंने पहले भी इस्तेमाल किया कि एक सांकेतिक नजीर आज इस फैसले के जरिए मिलना बहुत जरूरी है इस पूरे समाज को। जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को इस ढांचे को गिराया गया था असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपने उल्लेख भी किया, जिस तरह का आदेश, जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवंबर में, जब टाइटल सूट डिसाइड किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यहाँ यथा स्थिति बनाने का जो कोर्ट ने कहा था वो नहीं हुआ, और बहुत महत्वपूर्ण कि खुद यहाँ जो आश्वासन दिया गया था कोर्ट को वो पालन नहीं किया। आश्वासन दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि कोई वहां पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ढांचा बना सुरक्षित रहेगा। ये आपने आश्वासन कोर्ट को दिया था, इसको ये कब दिया, जब वहां बात ये हुई 92 में कि भाई यहाँ निर्माण शुरू होगा। ये जो विनय कटियार हैं वो कहते थे कि अगर कार्य सेवकों को रोका गया तो लाशें ही लाशें बिठेंगी, तब दिल्ली में ये बात हो रही थी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। उस हालत में मुख्यमंत्री गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन देने के लिए कि वहां इस तरह का कुछ नहीं होगा, सब कुछ सांकेतिक होगा और वहां ये ढांचा सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पिछले साल का आदेश है नवंबर का, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि आपने इस आश्वासन का भी उल्लंघन किया। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, तब एक फैसला आना है, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, और आज का जो फैसला है उसमें भी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो कहां तक इसका ध्यान रखा गया। मैं ये कह रहा हूं शोभना, आपको शो करना है, आप शो करती हैं, आपको कितने मॉनिटर लगाने हैं, आपके गेस्ट शो में कौन होंगे, सबके घर में कैमरे जाते हैं, कैमरे आते हैं, ओबी वैन होती है वो चली जाती है। ये कोर्ट का फैसला होने वाला है, कोर्ट को मालूम है कोर्ट में कौन मौजूद नहीं रहेगा, आप इसका अब जाके फैसला कर रहे हैं। अभी विकास ने बात की अडवाणी जी के घर में, वहां से बताया जा रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, कोई लिंक मिलेगा तो हम लिंक लगाएंगे। कोर्ट वाले करते क्या हैं? आप क्यों नहीं फैसला कर पाए पहले, आप क्यों नहीं तय कर पाए पहले कि किस तरह से इसको दिखाना है? ये जो मॉनिटर अब लगाए जा रहे हैं आखिरी मौके पर, ये इसकी पहले तैयारी क्यों नहीं की गई? ये एक सोचने वाली बड़ी बात है आप उठा रहे हैं। और जिस तरीके की व्यवस्था है, देश इंतजार कर रहा है इस फैसले का, क्योंकि जिस तरीके से उस इमारत को गिराया गया था उसके बाद बहुत लोग जो थे वो इस ये जो पूरा सब कुछ वहां पर क्योस हुआ था उसके खिलाफ खुलकर सामने आए थे। अब मैं रुक कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ मौजूद है और बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल भी मेरे साथ मौजूद है। शफीकुर रहमान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देश का मुसलमान आज इस फैसले को लेकर क्या सोच रखता है, क्या सोच रहा है? देखिए, जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है फैसले का ताल्लुक है, अगर फैसला इंसाफ के साथ आता तो पहले ही जो कुछ भी हो गया, अब राम मंदिर बनने लगा तो फैसला कौन सा हमारे हाथ में हुआ है जी? अब ये फैसला, इसकी हैसियत क्या है इस फैसले की? जब राम मंदिर बना लिया गया और जो कुछ भी जजमेंट लिखा गया उस जगह, उस जजमेंट में तस्लीम है, सारी बातें तस्लीम है कि बाबरी मस्जिद थी, खुदाई करने के बाद में भी उसमें कोई निशानी मंदिर की नहीं निकली। शफीकुर रहमान साहब, वो फैसला आ चुका है, देखिए जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी मैं आपसे नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आज के फैसले का कितना इंतजार देश का मुसलमान कर रहा है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। अब देश का मुसलमान इस फैसले से क्या उसको मिलने वाला है, जब खुद ही ये कहा जा रहा है कि फैसला तो होगा लेकिन फैसले में जो कुछ भी चीज सामने है या जो कुछ हालात सामने है उसके खिलाफ तो जाएगा नहीं फैसला। ठीक है, तो अगर फैसले में इंसाफ की उम्मीद होती तो पहले ही फैसला हमारे हक में हुआ होता। ठीक है, मैं अब अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, कोई बड़ी जानकारी कोर्ट से हमें देना चाह रहे हैं, बताइए अंकित।
निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी रणवीर के माध्यम से ये जानकारी निकल के सामने आई है कि जज अब कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। इससे पहले जो भी खबरें आ रही थी उसको लेकर के कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ रही थी। जो वहां पर वकील मौजूद हैं उन्होंने रणवीर को बाकायदा ये जानकारी दी। हमारे सहयोगी रणवीर जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जज साहब कोर्ट रूम में आ चुके हैं। जो इस मामले के आरोपी थे वो पहले से वहां बैठे हुए थे, लेकिन एक और जो है उसमें एक और अपडेट आया है और वो ये है कि आरोपी जो यहां पर मौजूद नहीं है उनमें से कुछ को तो वर्चुअल माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी अपडेट सहयोगी रणवीर के माध्यम से हमको मिली है। तो इस वक्त के लिए यहां पर से यानी कि कोर्ट परिसर के बाहर से दो अपडेट, पहला कि जज कोर्ट रूम में आ गए हैं और दूसरा आरोपी जो यहां पर मौजूद नहीं है उनको भी अब वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है अंकित गुप्ता, ये बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। अब ये पुख्ता रूप से जानकारी मिली है एबीपी न्यूज को कि जज एसके यादव कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, तो जो फैसले को लेकर इंतजार है वो बस अब कुछ ही क्षणों का है। जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि इतना डिले क्यों, 11 बजे ये फैसला आना है। जो आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। देखिये ये देखिए आप लालकृष्ण आडवाणी को आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज इस समय वो देख रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी प्रतिमा आडवाणी भी मौजूद हैं। आज इस फैसले का इंतजार लालकृष्ण आडवाणी को भी होगा, इसलिए क्योंकि ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति, जो रथ यात्रा जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सिरे पे चढ़ाया गया था वो लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया था और एक बड़े आरोपी के रूप में हमेशा उनको कहा गया कि ये जो पूरा विध्वंस हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ। तो आज इस फैसले का इंतजार लालकृष्ण आडवाणी भी कर रहे हैं और ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका अपना पसंदीदा चैनल इस समय एबीपी न्यूज लालकृष्ण आडवाणी देख रहे हैं। और हम आपको ये बता दें तमाम हमारे सहयोगी इस समय कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है, पल पल का अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम में जज एसके यादव पहुंच चुके हैं। देखिए अयोध्या मसले पर दो मामले थे, पहला सिविल सूट और दूसरा क्रिमिनल केस। पहला जो मामला है उसका फैसला आ चुका है, यानी सिविल सूट जो कि जमीन का मालिकाना हक को लेकर था उस पर जमीन का हक जो है वो हिंदू समुदाय को दे दिया गया है, उस पर मंदिर निर्माण होगा। आज जो फैसला आना है वो क्रिमिनल केस का आना है, जिस तरीके से उस विवादित ढांचे को गिराया गया, क्या वो साजिशन गिराया गया या जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसको उकसाया गया इन नेताओं के द्वारा। और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी क्योंकि पहुंच नहीं पाए हैं आज अपनी सेहत के चलते हुए कोर्ट रूम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको जुड़ना है और वो एबीपी न्यूज पर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अंकित गुप्ता अपडेट। जी बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जो फैसला पड़ा जाना है वो जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, जब कोर्ट आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि उनको कोर्ट मास्टर से पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कौन कौन लोग कोर्ट में मौजूद है, तो कोर्ट की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जब जो है कोर्ट में जब वो पहुंचेंगे तो सब देखेंगे कि हाँ जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली है वो सभी आरोपी यहाँ पर कोर्ट में मौजूद है। और दूसरी जो अपडेट आ रही है कि अब इस मामले में जो लोग कोर्ट में मौजूद नहीं है उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं, जो आडवाणी जी को अभी तक जानकारी एबीपी न्यूज के माध्यम से मिल रही थी कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, अब वो सीधा कोर्ट रूम से जुड़ेंगे और क्या वो उसमें आडवाणी जी है या फिर जो है अभी क्योंकि जैसी जानकारी मिली है कि चार लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो हमारे सहयोगी रणवीर लगातार वकीलों के संपर्क में है जो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है और उनके माध्यम से ये बड़ी खबर कि अदालत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है अंकित गुप्ता, ये अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। सबकी हाजिरी बिल्कुल अंकित गुप्ता, ये बड़ा अपडेट मैं अपने जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं इस समय उनको बताना चाहती हूँ। कोर्ट रूम में जज एसके यादव पहुंच चुके हैं, फैसला आने में बस कुछ क्षणों की देरी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन आरोपियों को जो व्यक्तिगत रूप से आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए उनको जोड़ लिया गया है और बस अब कुछ क्षणों का इंतजार। रामकृपाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और वीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी दिखाई दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, आज कोर्ट के लिए बहुत जरूरी कि एक नजीर पेश की जाए ताकि इस तरीके की घटना कभी भविष्य में ना हो पाए। बिल्कुल शोभना जी, देखिए जो 28 वर्षों से समाज लगातार एक अनवरत रूप से प्रताड़ना पीड़ा से झेल रहा था, मुझे लगता है आज न्याय की जीत होगी और सत्य की जीत होगी। विनोद बंसल जी, मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि कोर्ट में जज एस के यादव ने बड़ी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं है। अंकित गुप्ता,
जी निश्चित तौर पर ये इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया इसी तरह से शुरू होती है, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको पढ़ा जाता है और ऑपरेटिव पार्ट की सबसे पहली लाइन की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि इसको लेकर के कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी। जो भी हुआ था वहां पर जो ऐसे हालात बने थे उसके बाद में हुआ था। तो फिलहाल ये जो पहली लाइन है यही जो बहुत कुछ बताती है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, क्योंकि टिप्पणी कोर्ट की कि ये कोई साजिश नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं है। निपुण, देखिए अगर जज ने ऐसा बोला है कि पूर्व नियोजित नहीं है, क्योंकि हम सब लोग कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ आरोपियों और वकीलों को रखा गया है, तो वहां से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ऐसी बात कही गई है। जो सूत्र अंदर मौजूद है वो कह रहे हैं अगर जज ने कहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे तो फिर पूरा केस एक तरह से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि साजिश एक ऐसी धारा है जो सभी आरोपियों को आपस में जोड़ रही है। अगर पूर्व नियोजित नहीं थी, ठीक है निपुण, मुझे पंकज झा का रुख करने दीजिए। पंकज झा, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, जो सबसे बड़ा आरोप था कि साजिशन इस ढांचे को गिराया गया, ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है इसको देखते हुए। शोभना, जज एस के यादव ने जो अभी शुरुआती बात कही वो इस कहानी के फैसले की तरफ पहले से इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, जैसा ये कहा जा रहा था कि इसके लिए बाकायदा कार्यसेवकों को रिहर्सल कराया गया था। जज ने शुरुआत में ही कहा कि पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, आकस्मिक घटना थी। इससे आप समझ जाइए कि फैसले का रुख किस तरफ जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है शोभना। बिल्कुल निपुण, फैसला किस तरफ जा सकता है, ये लकीर खींचनी अब शुरू हो चुकी है कोर्ट में। देखिए अगर घटना पूर्व नियोजित नहीं थी ऐसा जज ने कहा है तो सबसे पहले फिर षड्यंत्र की बात ही खत्म हो जाती है। 120 बी आईपीसी जो सभी 32 लोगों को आपस में जोड़ रहा है, यानी किसी ने भी कोई भी भूमिका निभाई हो, दूसरा व्यक्ति जो क्योंकि साजिश में शामिल है तो उसको भी उसमें दोषी माना जा सकता है। ये पहलू खत्म हो जाएगा अगर जज ऐसा मानते हैं कि पूर्व नियोजित नहीं थी। तब बात क्या बचेगी, तब बात ये बचेगी कि क्या उस समय तात्कालिक तौर पर किसी ने भड़काया, भीड़ को उकसाया। अब इन बातों की तरफ फिर रुक जाएगा अगर जज ये मान रहे हैं कि सब लोग आपस में उस तरह से नहीं जुड़े हैं कि कोई साजिश करके पूरी योजना बनाकर वहां पर मौजूद थे और इस सारी चीजों को अंजाम दिया गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाहर भले ही आरोपियों ने कुछ भी कहा है, अंदर इनकी दलील ये रही है कि कुछ 25-30 लोग थे जो बड़े उग्र थे और वो नेताओं के भी काबू में नहीं थे, और जब उनसे शांतिपूर्वक कार सेवा को कहा गया तो वो उग्र हो गए। तो फिर तो गुमनाम लोगों के ऊपर मामला डालने की कोशिश की गई थी। अगर पूर्व नियोजित नहीं था तो क्या नेताओं की और पंकज झा, कुछ और अपडेट आया निपुण? पंकज झा क्या अपडेट इस समय का, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आऊंगी निपुण आपके पास, पंकज झा जानकारी दीजिए। देखिए शोभना, ये जो कहा जा रहा था, सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट में थ्योरी दी थी कि ये एक आपराधिक साजिश का मामला बनता है, कई बड़े नेताओं पर ये आरोप लगा था। अगर ये आकस्मिक घटना थी, पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, तो फिर ये आपराधिक साजिश का मामला और सीबीआई की पूरी थ्योरी और चार्जशीट ही एक तरीके से खारिज हो जाती है, जैसा जज ने शुरुआत में कहा है। बिल्कुल ठीक है निपुण सहगल, अगर भीड़ को उकसाने का मामला अब आने वाली टिप्पणियों में कोर्ट करता है तो उस पर क्या मामला बन सकता है, क्या सजा हो सकती है अगर कोर्ट ये कहता है कि वहां पर किसी नेता ने भीड़ को उकसाया, अगर वो आरोप तय करती है तो? देखिए इसमें इसके दो पहलू हैं, 153A और 153B में। अगर ये साबित होता है कि भीड़ को उकसाया गया वहां पर, तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि उसका मकसद क्या था और क्या ये बात साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है शोभना कि जितना मेरी वकीलों से बात हुई है, ये आरोप है, सबसे बड़ा आरोप तो नेताओं पर यही है कि मंच पर मौजूद थे और उकसा रहे थे भीड़ को कि एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद को जाकर तोड़ दो। लेकिन रोक रही हूं अंकित गुप्ता, कोई लेटेस्ट जानकारी अंकित गुप्ता बताइए, कोर्ट से कोई नई टिप्पणी? आऊंगी निपुण में अंकित। बिल्कुल शोभना, अब इस मामले में जो आरोपी हैं उनको लेकर भी कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। इस मामले में नाम आया अशोक सिंघल का, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन जो 49 आरोपी थे उसमें से 17 आरोपियों की जो मौत हुई है उसी में से अशोक सिंघल का नाम था, लेकिन अशोक सिंघल को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्रबल साक्ष्य नहीं थे।
फोटो को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के नेगेटिव नहीं थे। ये कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है। ये कोर्ट की जो टिप्पणी है ये बता रही है कि कोर्ट का जो फैसला है वो किस तरफ जा रहा है। जो फोटो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश की गई थी उनके नेगेटिव नहीं थे। वहां मौजूद लोगों ने, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने भीड़ को रोकने की भी कोशिश की है। ये सारी कोर्ट की टिप्पणियां हैं। ये जो फैसला लिखा गया है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका आप मुझे 1 2 3 करके बताइए एक बार फिर मेरे दर्शकों के लिए। अंकित 1 2 3 फटाफट बता दीजिए मेरे दर्शकों के लिए कि अब तक क्या क्या हुआ। बिल्कुल, पहला पॉइंट बिल्कुल शोभना, इसमें सबसे जो पहली लाइन है, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा रोका गया। जो लोग वहां पर, ये जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें से कई लोगों के द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन वो घटना को भीड़ ने अंजाम दिया है। अशोक सिंघल का कई बार जिक्र हुआ है क्योंकि जब अदालत अपना फैसला पढ़ती है तो उसमें आरोपियों को के रोल को लेकर के जिक्र करती है। अशोक सिंघल के बारे में कहा है कि उनको लेकर के कोई ऑल एक्विटेड, ये बड़ी खबर है, सभी को बड़ी खबर। सभी बड़ी खबर इस समय की, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, विवादित ढांचे को गिराने को लेकर बड़ा फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का आ चुका है। 32 के 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है, यानी उनकी कोई गलती कोर्ट ने नहीं पाई है। सीबीआई का ये पूरा मामला, जिस तरीके से एक लंबी जांच चली, जो उन्होंने चार्जशीट दायर की, कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है। लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी बरी हो गए, जो सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे आंदोलन का माने जाते थे, मुरली मनोहर जोशी बरी हो गए। तो तमाम जो 32 आरोपी, देखिए 49 के ऊपर ये पूरा मामला था लेकिन 17 लोगों की क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी इसलिए 32 आरोपियों पर आज ये बड़ा फैसला आना था। सभी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता जिनका नाम था, उनको बरी कर दिया गया है। पंकज झा, इस फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए, इस बात की संभावना थी और यही हम लोग अंदेशा भी लगा रहे थे। जैसे ही जज साहब ने आके अपनी बात कहनी शुरू की और जैसा हम कह रहे थे कि पूर्व नियोजित नहीं था, ये आकस्मिक घटना थी और ये भी कहा गया कि वहां मौजूद नेताओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, सभी के सभी 32 आरोपी बरी हो गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। 28 साल तक इस फैसले के आने में देरी लगी और अब जब बात निकल कर आ रही है, सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसकी जो पूरी थ्योरी थी, सभी आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए, सभी आरोपी बरी हो गए हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल पंकज झा, 28 साल लगे इस फैसले को आने में और लालकृष्ण आडवाणी ने शायद सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है इस पूरे केस के चलते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान हुआ, उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। निपुण सहगल, कोर्ट अपना आदेश जो सुना रहा है, क्या व्याख्या कर रहा है वो इस समय? देखिए, कोर्ट के फैसले के जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब जज ने कहना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा था कि यही होगा। हालांकि वकीलों से भी बात हुई थी तो साक्ष्य कमजोर लगे थे मुझे भी, लेकिन टिप्पणी नहीं कर सकते थे हम फैसला आने से पहले। जज ने कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी, साजिश की बात खत्म, साक्ष्य मजबूत नहीं है। साक्ष्य मजबूत नहीं है मतलब कि अगर भड़काऊ बातें नेताओं ने की, ऐसी बात, ऐसा दावा जो किया जा रहा है उसके पीछे मजबूत सबूत नहीं रखे जा सके। और उल्टे इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जो नेता मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने उकसाया है, उन्होंने असल में भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। यानी कि भीड़ जो वहां पर जमा कराई गई थी, जो जमा थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति ली गई थी सिंबॉलिक कार सेवा की, तो वो अवैध भीड़ नहीं थी। अनुमति के बाद वहां पर भीड़ जुटी थी और भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने ऐसा कर दिया। तो जो दलील दी गई थी कि कुछ उग्र लोग थे भीड़ में जो नेताओं की नहीं सुन रहे थे और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसी बात को माना है आज विशेष जज एस के यादव ने। तो 28 साल के बाद आखिरकार किसी पर भी, जो भी आरोपी थे उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और सबके सब बरी करार दिए गए हैं विशेष अदालत की तरफ से। पंकज झा, आज का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक हो जाता है। अगर जमीन के मालिकाना हक की बात की जाए तो वो भी हिंदुओं के पक्ष में गया था और आज ये तमाम बड़े नेताओं का, बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे जो कि इस हिंदुत्व की राजनीति के लिए कहे जाते थे, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, सबका छूटना, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। आप याद करिए 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के और आज ये फैसला आया है जिसमें सभी आरोपी बरी हो गए थे। भले मीडिया के सामने कुछ आरोपी कहते थे लेकिन अंदर में सब ने अपने को बेकसूर माना था और एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें सभी आरोपी बरी हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज, और रणबीर मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि रणबीर हमारे वो
सहयोगी हैं जिन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को यह जानकारी दी कि सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। पंकज झा, कहीं ना कहीं जो मैं और आप बात कर रहे थे कि कोर्ट आज हो सकता है एक नजीर पेश करे कि आगे कभी भविष्य में इस तरीके का कोई गैर कानूनी काम भीड़ तंत्र के द्वारा ना किया जाए, कहीं ना कहीं वो संदेश देने में कोर्ट को आप नाकाम देख रहे हैं। पंकज झा, साक्ष्य जो था सीबीआई की तरफ से, जी हाँ शोभना, इसमें ये एक बात कहा जा रहा है कि जो लाखों कारसेवक जुट गए थे उसमें तो ये कहा जा रहा है जिन नेताओं पे आरोप लगे हैं उनके लिए तो कहा जा रहा है कि उन लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, उनको इसीलिए जल लेकर आने के लिए कहा गया था, क्योंकि कारसेवक दोनों हाथों में व्यस्त, कारसेवक के दोनों हाथ जो है वो बंधे हुए रहे, उसमें कुछ न कुछ रखा रहे। तो एक तरीके से ये कहा गया है कोर्ट में फैसले में कि जो नेता वहां राम चबूतरा पे मौजूद थे जिन पर आरोप लगाया गया था सीबीआई की तरफ से, उन लोगों ने भीड़ केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कारसेवा करना था। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पर उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर की कटिंग कोर्ट ने सीबीआई ने दाखिल की थी उसी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और इविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कारसेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्श के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 इविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को 22 तक बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। अयोध्या मामले में एक ऐतिहासिक फैसला, आज सभी 32 आरोपियों को जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उससे आरोप मुक्त किया, बरी किया। जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर थे कि साजिशन इस ढांचे को गिराया गया, वहां पर भीड़ को उकसाया गया, मंच से भाषण देकर कोर्ट ने कहा कि ऐसा सीबीआई कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। और रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर वो रिपोर्टर है जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी कि सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मैं आपसे व्याख्या जानना चाहूंगी कोर्ट में जो दी गई है। रणवीर, देखिए, हमने पहले भी, इससे पहले जब बचाव पक्ष के वकीलों से बात करने के आधार पर बताया था कि सीबीआई ने 28 साल में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिया जिससे साबित हो कि ये लोग दोषी हैं, और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, कोर्ट में परमिसिबल नहीं माना जा सकता, उसको एडमिट नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि ये 32 लोग
ये दोषी हैं, इसलिए सबको बरी कर दिया गया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि सबूतों की कमी थी। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साक्ष्यों का अभाव था, तो साक्ष्यों का अभाव होने की वजह से जो ये पूरा मामला है इसमें 32 लोग अब बरी हो चुके हैं। और देखना होगा कि सीबीआई इस फैसले को क्या चुनौती देती है, सीबीआई क्या ये जो फैसला है उसके खिलाफ कोर्ट जाती है। तो अभी फिलहाल ऐसी भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि सीबीआई जाए, लेकिन अब देखना होगा। और ये हाँ निपुण, आप बने रहिए, मैं निपुण का रुख कर लेती हूँ। रणवीर आप बने रहिए। निपुण, अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कोई साक्ष्य सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर पाई जिस पर कि कोई ऐसा फैसला लिया जा सके। देखिए, सीबीआई को ही तय करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने तो उसकी किसी बात को माना नहीं है। एजेंसी को जो एक प्रक्रिया है उसके तहत तो उसे जरूर जाना चाहिए हाई कोर्ट में और ये साबित करना चाहिए कि नहीं, हमने साक्ष्य दिए थे, निचली अदालत को समझ में नहीं आया, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आया, इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांश जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस का ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना या कार्य न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। कहा जाए, ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय हमारे साथ जय भगवान गोयल। जय भगवान जी। रुकिएगा, आओ मान 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 प्रेम। तो जय भगवान गोयल जी से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, बात करने की लालकृष्ण आडवाणी हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय वो एबीपी न्यूज देख रहे थे। और आज एक बड़ी खबर, 28 साल के इंतजार के बाद विवादित ढांचे के विध्वंस को लेकर जो बड़ा फैसला आया है उसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तमाम वो बड़े चेहरे जो आज बरी किए गए हैं वो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और शफीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। शफीकुर रहमान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई सीबीआई, इसलिए ये सभी आरोपी बरी कर दिए गए, या कोर्ट इसको कोई गलती मान ही नहीं पाई? ये तो प्री प्लान था जो कुछ भी हुआ। ये 28 साल के बाद में पूरा जो ये ड्रामा रचा गया और इसका आज जो कुछ भी रिजल्ट आया है ये तो आना था ही। तो इंसाफ के रूप से नहीं, बल्कि उनको ये कहा गया कि भाई जो जितने भी आरोपी हैं वो उन्होंने उकसाने वालों को रोका था और ये किया था, लेकिन उनका कोई जुर्म नहीं बनता। उन्होंने सारी ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए सारी प्लानिंग इन्हीं लोगों की थी और इन्होंने इसको पहल रूप देकर सरकारी सेवक। मैं आपको इस समय मैं रोक रही हूँ शफीकुर रहमान साहब, इस समय बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी जी से बात की है,
जो बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी अडवाणी जी से बात की और देखिए 28 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। तमाम बार लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर उंगली उठती रही है इसको लेकर कि इस पूरी साजिश के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के मौजूद थे। लेकिन आज कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को क्योंकि बरी कर दिया है। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने भी आडवाणी जी से बात की है और हम ये भी बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसके बाद कोर्ट में जैसे ही ये फैसला आया सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया। उसके बाद जय श्री राम के नारे कोर्ट रूम में लगाए गए। पंकज झा, कोर्ट रूम में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरे साथ रणबीर भी बने हुए हैं। रणबीर जी बिल्कुल, जिस तरीके से 28 साल तक इन लोगों ने मुकदमा लड़ा और ये बोलते रहे कि वो इसमें दोषी नहीं है, आज कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ये 32 लोग दोषी नहीं है और इन सभी लोगों को बरी कर दिया है। बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर 1992 का जब जब जिक्र आया तब तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े नेता जो वहां मौजूद थे उनका नाम आता रहा, विपक्ष की ओर से भी आरोप लगते रहे, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज बता दिया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कारसेवकों का गुस्सा था, एक आवेश था जो तुरंत पैदा हुआ था पथराव की वजह से और उस पथराव के बाद जो है जी। रणबीर मैं आपके पास आऊंगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी लगातार मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रामकृपाल जी देखिए, ढांचा तो गिराया गया, कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि ये असंवैधानिक काम, ये गैर कानूनी काम किया गया, अब जिम्मेदार कौन? सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो इस फैसले को कैसे देखा जाए? रामकृपाल जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है हमारे पास और विनोद बंसल जी भी लगातार बने हुए हैं और दिबांग भी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। दिबांग देखिए, ढांचा तो गिराया गया, मान ली यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय, हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद है जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी तो मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी निपुण का जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। निपुण, आपने जो सिविल सूट था यानी मालिकाना हक को लेकर जो फैसला आया था वो भी कवर किया था और आज का फैसला भी आपने देख लिया, लेकिन ये मैं और आप भली भांति जानते हैं कि ढांचा तो गिराया गया और गैरकान, एक बार सुन लेते हैं वकील कुछ कह रहे हैं कि जो साक्ष्य है वो इन लोगों सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है, सजा करने की कोई भी साक्ष्य तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार सेवा को असफल करने की जिनके भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था। ये काम जब कोर्ट में, न्यायालय में कोर्ट जज साहब आए तो उनकी, उन्होंने जब जजमेंट प्रोनाउंस किया तो 3-4 बिंदुओं पे उन्होंने गहनता से पहले बात कही। पहला उनके बिंदु थी कि ऐसा है कि जो एविडेंसेस सीबीआई ने दाखिल की थी वो एविडेंसेस में 2-3 बिंदुओं पर उन्होंने बात की। पहला ये कि जो न्यूमेटिक कैसेट, जो समय घटना की कैसेट थी, वो कैसेटें सील बंद नहीं थी, इस पे उस पर रिलाई नहीं किया जाता, और जब कैसेट यहां न्यायालय में देखी गई थी तो उसमें समाचार भी आ रहा था, एडवर्टीजमेंट भी आ रहा था, उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दूसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो घटना वहां पे कारित हुई थी, जो कार सेवक वहां इकट्ठा हुए थे, उनकी मंशा नहीं थी वहां घटना करने की, उनकी मंशा थी एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक मोरंग बालू बुला करके सरयू में वहां एकत्रित करना। तीसरी बात यह थी कि ऐसा है कि वहां पे चूंकि रामलला की मूर्ति थी तो जो भी कार सेवक हों वो ये घटना नहीं करना चाहेंगे कि जिससे वहां पे घटना, वो मूर्ति बाबरी मस्जिद गिरे, वो मूर्ति वहां पे, वो मूर्ति को हानि पहुंचे। इसके अलावा पेपर की कटिंग जो कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी सीबीआई द्वारा, तो पेपर की कटिंग उस समय चूंकि नेगेटिव का जमाना था, फोटोज की कटिंग जो न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, तो कोर्ट ने माना जो नेगेटिव, जो पेपर की कटिंग दाखिल गई उसकी कोई नेगेटिव नहीं दाखिल की। आज की तारीख में डिजिटल जमाना, ये कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लेकिन उस समय नेगेटिव का जमाना था तो वो नेगेटिव भी न्यायालय में नहीं दाखिल की गई। तो ये पूरे घटनाक्रम में ये माना जाता है कि ये चीजें कोर्ट ने इस चीजों को डिनाइल करते हुए जो एविडेंसेस चार्जशीट में सीबीआई ने दाखिल किए हैं वो उतने नहीं ऑथेंटिक
ठीक थे जिसमें इनको दोषी पाया जाए, इस कारण न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया। आम आदमी ये कह सकता है कि सबूतों के अभाव में सब लोग बरी हुए। जी जी जी, सबूतों के अभाव में सभी लोग बरी हुए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो पथराव की बात की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों का गुस्सा था जिसकी वजह से उड़ा था,